बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। मां के साथ सो रही बच्ची पर भेड़िए का हमला लगातार जारी है। बच्ची की गर्दन पकड़कर खींचने की भेड़िए ने कोशिश की है। परिजनों के शोर मचाने पर हालांकि भेड़िया भाग खड़ा हुआ। तो बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है और आपको बता दें कि भेड़िए के हमले में बीती रात एक बच्ची जो है वो घायल हुई है। ये थाली और ताली इसलिए नहीं बज रही है कि इस समय कोरोना है, बल्कि ये गांव के लोग इसलिए बजा रहे हैं कि ये दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। वजह यह है कि जनपद बहराइच के महसी में जिस तरीके से आदमखोर भेड़िए का आतंक है, उससे बचने के लिए ये गांव के लोग तरह तरह के जुगत अपना रहे हैं। ये गांव के लोग अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए पूरी रात जाग रहे हैं, अपने आंखों की नींद खत्म कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयास है कि इनका मासूम, इनका परिवार बच सके। मैं इनसे बात करूंगा। रात काफी हो चुकी है, आप लोग जाग रहे हैं, क्या वजह है? भेड़िए के डर के मारे जाग रहे हैं। अच्छा। हाँ, पूरे गांव वालों को जगा रहे हैं, मतलब सबको जागरूकता करित है। अच्छा। कि मतलब सब कोई जागत है, कोई घटना ना हो पाए। अच्छा। हाँ, इसलिए मतलब हम रात भर सब लोग जागित है और टहरित है। लेकिन ये थाली और ताली क्यों बजा रहे हैं? थाली बजा रहे हैं कि चिल्लाते चिल्लाते गला फंस चुका है, तो इसलिए थाली बजा रहे हैं कि मतलब थाली बजाने से आवाज पाने से मतलब वो भाग जाए नजदीक हो। अगर मैं दिखाऊं, ये गांव के लोग हैं और ये किस तरीके से ये लोग अपने दरवाजे पर खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग पूरी रात जाग रहे हैं, क्या वजह है? पूरी रात जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं आप लोग? ये भगवान चक्कर में बच्चन को बचाते हैं रात भर। किससे बचा रहे हैं? चिल्लाई थे भेड़िया से बचा रही है। चलिए कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि भेड़िया खूंखार है और उसे बच्चे को बचाने की जरूरत है। हाँ भैया, आप बताइए, ये लाठी लेकर के और रात में ये थाली क्यों पीटी जा रही है? हम सर इसके लिए थाली पीट रहे हैं, भेड़िया ने हमला ज्यादा किए है, उसके वजह से हम सब थाली और लाठी लेकर सहयोग गांव भर कर रहे हैं कि हमला दंगा करेंगे तो हमारे गांव के करीब में अगर होगी तो भाग जाएगी। अच्छा। इसके वजह से हम सब पहरा भी देते हैं और थाली बजाते हैं और चिल्लाते चिल्लाते गला फंस गया है तो अब थाली से काम लेते हैं। तो ये केवल आज कर रहे हैं कि हमेशा करते हैं? हमेशा सर करते हैं सर। अच्छा। हाँ, हमेशा रोज करते हैं। अब देखा तो आप बोली समझने रहे हो कि कितना गला फंसा है, तो ये रोज चिल्लावा जात है तो आज थरिया और कई दिन से थरिये बजा रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, कि अगर नेरे करीब में अगर आए गवा हो तो भग जाए। अच्छा भैया, आप बताओ ये क्या बात है कि ये लोग लाठी लेके चल रहे हैं और भेड़िया कब से आतंक मचाए हुए हैं? जी रात भर ये लोग जाते हैं और भेड़िया को बचाते हैं, बाल बच्चा जिसके हैं वो रात में दाब के उठा ले जाता है, यही मुंह घटरुआ पकड़ता यही उठा ले जाता है, ना बोलने देता ना कुछ। रात भर वो ले जाता है इस गन्ना से उस गन्ना, सुबह लहास मिलती है, तो इसलिए जागते हैं कि अपने बच्चों को बचाते हैं। भैया, भेड़िया यहाँ पे कहाँ हमला किया था जरा बताओ, ये कोयलाला जगह कहाँ पर है? कोयलाला जगह यही बगल 1 किलोमीटर। कब हमला किया था? 4 तारीख। 4 तारीख। 4 तारीख। उसी से आप लोग डरे हुए हैं? जी जी, उसी। क्योंकि इनको ये लगता है कि वन विभाग शायद इनकी मदद नहीं कर पाएगा, हालांकि दावे जरूर कर रहा है वन विभाग कि हम जल्दी उसको पकड़ लेंगे, लेकिन इनको अब भरोसा नहीं है। भैया आप बताओ जरा जल्दी से बताओ, ये फरसा लिए हुए हो क्या? देखिए ये फरसा है, हाथ में रखते हैं अपने बच्चे लिए और लड़का बच्चन को बचाने के लिए रात भर जागते हैं हम लोग।